हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूं ज्योति और वेलकम बैक टू स्टूडेंट खबरी की पाठशाला, जहां हम देने वाले हैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, ऑल ओवर इंडिया. तो गाइस, मेरे को बहुत सारे रिव्यूज़ आ रहे थे कि SRIT जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर दूँ, मैं उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, क्या उसके प्रोज कौन से हैं, क्या उसमें अच्छाई है, क्या बुराई है उसमें, कैसे आप एडमिशन उस कॉलेज में ले सकते हो, आपके लिए वो बेस्ट फिट है कॉलेज या अगर आपके फ्रेंड के लिए है या नहीं. तो आज मैं इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. तो चलो गाइज, स्टार्ट करते हैं. जो SRIT है उसका फुल फॉर्म है श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. मैंने बताया जबलपुर में लोकेटेड है मध्य प्रदेश. ये इंजीनियरिंग कॉलेज है मेनली. 2001 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये पार्ट है एक श्री राम ग्रुप इंस्टीट्यूट का ही जो पार्ट है, ये जो कि जबलपुर में है. ये एफिलिएटेड दो यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये इसका एफिलिएशन किया गया है. एक RGVP के साथ उसका एफिलिएशन है और एक रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी इन जबलपुर में जो कि है उसके साथ एफिलिएशन इसका है. ये एग्रीगेट भी किया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट ऑफ MP ने किया है न्यू दिल्ली में. कैंपस और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर 35 acres में स्प्रेड है. पूरा 35 acres कवर करता है यहाँ का कैंपस. ये 20 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं. अगर मैं यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ का जो लोकेशन है वो कम से कम कचनार सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 2 kilometers की दूरी पर है. और यहाँ पे ये बोला जाता है, इस कॉलेज को ये बोला जाता है कि ये सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कैंपस है महाकौशल रीजन का. अगर मैं यहाँ की कैंपस की बात, यहाँ की फैकल्टीज़ की बात करूँ, यहाँ की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, फैकल्टी तो बाद में बताऊँगी, यहाँ की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं. तो फैसिलिटीज़ यहाँ पर वाईफाई कैंपस है, फुल्ली वाईफाई कैंपस है. हॉस्टल फैसिलिटी, सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये लोग गर्ल्स बॉयज़ के लिए. सेंट्रली लोकेटेड है तो आप ये बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का इतना ज़्यादा इशू नहीं आता है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर में ही लोकेटेड है ये. बस फैसिलिटीज़ भी ये देते हैं बच्चों को. फूड कोर्ट है इंडियन कॉफ़ी हाउस के साथ और मल्टी क्विजिंस फूड कोर्ट यहाँ पे दिए जाते हैं. ATM फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं. कोर्सेज़ जैसे मैंने बताया UG PG दोनों लेवल के कोर्सेज़ यहाँ पे दिए जाते हैं. अगर मैं UG लेवल के कोर्सेज़ की बात करूँ तो वहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दिया जाता है, दैट इज़ BE. और PG लेवल में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी दिया जाता है, उसका मास्टर भी किया करवाया जाता है यहाँ से. यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, दैट इज़ MCA और MBA का भी है स्कोप यहाँ पे, ये भी दिए जाते हैं जो कि नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं. यहाँ पे 4 साल का अगर मैं बताऊँ BE का कोर्स बताऊँ तो अलग अलग स्ट्रीम्स में ये लोग प्रोवाइड करते हैं. BE में अलग अलग स्ट्रीम जैसे सिविल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरीके के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन दिए जाते हैं यहाँ पे. मास्टर भी उसका करवाया जाता है अलग अलग स्पेशलाइजेशन में. अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ME इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ME इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दैट इज़ CSE. ME SS में भी दिया जाता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है. MTech करवाया जाता है यहाँ पे, पावर सिस्टम, मशीन डिज़ाइन में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, VLSI डिज़ाइन में, इस तरीके के अलग अलग स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं. यहाँ की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो ओवरऑल टोटल फ़ीस रुपी टर्म में मैं बताऊँगी कि 240,000 है, एक्सक्लूडिंग द हॉस्टल फ़ीस. हॉस्टल फ़ीस यहाँ की अलग है. यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर जो है एज यूजल जो हर कॉलेज में होता है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है कि JEE का अगर आपको UG लेवल में आपको लेना है एडमिशन तो JEE क्वालिफाई, अच्छे स्कोर आने चाहिए, उसके बेसिस में ये लोग देते हैं. MTech के लिए भी आप लोग, आपको यहाँ पे गेट क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है. यहाँ के सीट्स भी और बाकी भी जो कोर्सेस है जैसे MBA MCA, यहाँ का एडमिशन जो होता है कि आपने UG में अच्छे स्कोर किए हैं उसके हिसाब से, उस ग्रेजुएशन लेवल जो भी आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसके स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन करवाया जाता है. आप अलग से भी यहाँ पे जाके ऑफिशियल इनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है SRIT की, वहाँ पे भी जाके अपना फॉर्म भर सकते हो और उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि काउंसलिंग में भी आपका हो जाएगा एडमिशन. अगर सीट इनटेक की बात करूँ तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हर स्पेशलाइजेशन के लिए करवाए जाते हैं. कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 120 सीट्स हैं पर ईयर, मतलब इतने लोगों को ये एडमिट करते हैं अपने कॉलेज में. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ तो उसमें भी 120 सीट्स हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कम है, मतलब कि 30 सीट्स ही सिर्फ
सिर्फ अवेलेबल है यहाँ पे। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा है 180 सीट्स यहाँ पे दी जाती है, सिविल इंजीनियरिंग में भी 120 सीट्स है, इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग में भी 60 सीट्स है यहाँ पे। अगर मैं आके सोशल लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे, ये लोग एक अपना टेक्नो फेस्टिवल भी अलग अलग करवाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान यहाँ दिया जाता है, यहाँ पे होता रहता है ये सब। जैसे अभी वुमेन एम्पावरमेंट फेस्ट हुआ है जिसका नाम वाहिनी ये लोग बोलते हैं, यूथ क्लब का फेस्ट होता है यहाँ पे आरंभ जिसका नाम है आह्वान भी इनका जो मेन कल्चरल फेस्ट होता है एनुअल बेसिस में यहाँ पे करवाया जाता है। प्रयास है जो वाटर कंजर्वेशन यहाँ पे इवेंट करवाया जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं अपना शो करने के लिए टैलेंट, अपना शोकेस करने के लिए टैलेंट, अपने आप को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे करवाया जाता है। यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, एनसीसी, एनसीआरटी जैसे भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में भी मतलब बच्चे लेते हैं हिस्सा। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट जो गया है एवरेज इसका गया है लगभग 3 लाख, और हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 लाख तक जा चुका है। बहुत से रिनाउंड और नोटवर्दी कंपनीज़ यहाँ पे आई हैं प्लेसमेंट के लिए, जैसे ICICI आ चुके हैं यहाँ पे, TCS, Paytm, Capgemini जैसे कंपनियाँ, वोडाफोन, विप्रो जैसी कंपनीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं रिक्रूट करने के लिए कैंपस सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे अगर मैंने जैसे बताया कि प्रोज फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि दे आर नाइस, गुड, नॉलेजेबल है, हेल्पफुल है, वहाँ पे डाउट वगैरह क्लियर करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन ये सब आप कर सकते हो वहाँ पे, कि सब्स्टिट्यूट क्लासेस लगाते हैं वो लोग, एक टीचर अवेलेबल नहीं है दूसरा टीचर उसके उनकी जगह आपके डाउट क्लियर करवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है यहाँ पे, इम्प्रेसिव सा है, एट्रैक्टिव सा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का मैनेजमेंट जो है अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है यहाँ के कैंपस मैनेजमेंट में। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में मैंने बताया कि बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन एक्टिवली मतलब बोल सकते हो आपको कि ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करवाते हैं बच्चों को, होते रहते हैं लेकिन ज़्यादा मतलब उसमें ध्यान वो नहीं होता है, एक्सपोजर नहीं होता है बच्चों का। और कॉलेज लैब भी यहाँ के वेल इक्विप्ड नहीं है, यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड है, ज़्यादा हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, मच डिपेंड होना पड़ता है आपको आउटसाइड जो प्राइवेट हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। और यहाँ की अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो स्टूडेंट्स ने रिव्यू में बताया है ओवरऑल रेटिंग आउट ऑफ 10 की स्केलिंग में, अगर मैं आउट ऑफ 10 क्वांटिनम में मैं बताऊँ तो यहाँ के एकेडमिक को बोला था उन लोगों ने कि 8 देंगे आउट ऑफ 10, फैकल्टी को ये 8.1 देते हैं, 8.1 बोला गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ के 7.8 दिया गया है आउट ऑफ 10, 6.6 दिया गया है एकोमोडेशन, और प्लेसमेंट को 7.4, सोशल लाइफ को यहाँ पे 8.2 बोला गया है। तो ये मैंने पूरा ओवरऑल कवर कर दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी SRIT जबलपुर के बारे में। अगर आपको और भी कुछ इसके बारे में जानना है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही हो, डाउट क्वेरीज हो कोई भी, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। कोई और कॉलेजेस के बारे में ऑल ओवर इंडिया में कोई भी और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आपके लिए कौन से फिट है उसके बारे में अगर जानना हो तो कमेंट करना, ताकि जल्द से जल्द वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं, स्टार्ट एंड भी होने वाले, इसलिए जल्द से जल्द आप बताओ कौन से कॉलेज के बारे में आपको जानना है, तो हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार हैं, हम लोग जल्द से जल्द वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नए नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन आए। सो गाइज, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।